देखा कि इतना सारा रॉ मटेरियल तो है, लेकिन यार ये इतना सारा क्यों लगता है, कैसे यूज़ होता है इसका, ऐसी एक क्यूरियोसिटी थी हमारे मन में। तो यहाँ आने के बाद, खुद बनाने के बाद वो समझ में आई। नेक्स्ट नीरज कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। तो सर आप बताएं, आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं और आप कहाँ से आए हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। बहुत दिनों से वीडियो देखने का काम मेरा चल रहा था, तो इसलिए मेरे को दिल से लग रहा था कि यार परफ्यूमरी से एक अट्रैक्शन था, एक अटैचमेंट था। तो सोचा कि यार अगरबत्ती दिखने में तो एक छोटी चीज़ लगती है, पहले तो लगता था यार ये बहुत सिंपल चीज़ रहेगी और फिर क्या कोई भी बना लेगा, वीडियो यूट्यूब के वीडियो देख के भी बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की अपनी खासियत होती है, हर एक चीज़ का अपना एक परिणाम होता है। उस हिसाब से सही मात्रा में, सही तरीके से अगर वो चीज़ बनाई जाए तो ही उसका रिजल्ट मिलता है। वैसे तो हज़ारों अगरबत्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर वो सही तरीके से बनाई नहीं गई होगी, सही मात्रा में वो नेचुरल चीज़ें ऐड की नहीं होगी, तो वैसी खुशबू अपने को नहीं मिलेगी। तो सिर्फ यहाँ पे अगरबत्ती ही नहीं सीखी है हमने, लेकिन बहुत सारे उसके जो वैरायटी है अगरबत्ती के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगरबत्ती जो है वो भी सीखे हमने। उसके बाद में धूप स्टिक्स है, सामरानी कप है, ये जितने भी धूप या फिर अगरबत्ती के वैरायटी में जितने भी चीज़ें आती है, वो बहुत सारी चीज़ें सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, बहुत दिल से बताई है, बहुत समझा के बताई है। और हमको ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ क्यों क्यों डालते हैं इसमें, वो चीज़ क्यों डालते हैं। जैसा अभी यहाँ पे सर ने बहुत सारा रॉ मटेरियल रखा है, तो पहले हमने जब देखा कि इतना सारा रॉ मटेरियल तो है, लेकिन यार ये इतना सारा क्यों लगता है, कैसे यूज़ होता है इसका, ऐसी एक क्यूरियोसिटी थी हमारे मन में। तो यहाँ आने के बाद, खुद बनाने के बाद वो समझ में आई। और इतना ही नहीं, हम लोगों को यूट्यूब, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में जो मशीन से अगरबत्ती बनती है वो दिखाई जाती है। एक बाजू से हॉपर में वो मसाला रहता है, दूसरी बाजू से मशीन ऑन करने पर अगरबत्ती बनती जाती है वो दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे उतनी सही तरीके से वो मशीन चलने के लिए क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, वो मिक्सचर का क्या प्रोपोर्शन रहना चाहिए, ये सब डिटेल्स भी हमको सर ने बताए। तो इसलिए सर आपके और पूरे आस्था टीम के हम दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमको यहाँ से ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, यहाँ से जो अभी हम लोगों ने नॉलेज लिया है इसको जाके आगे इम्प्लीमेंट करके हम लोग और चार लोग इसमें कैसे जुड़ जाएंगे और चार लोगों को इसमें कैसे रोज़गार मिलेगा, इसकी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी। और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ।